सीएसवी स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, सीएसवी की फुल फॉर्म क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट. वो फाइल जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करके स्टोर करते हैं, राइट. जितनी वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होती हैं या किसी भी डिलिमिटर की हेल्प से सेपरेट होती हैं. ओके, लेकिन डिफॉल्ट अगर आप डिलिमिटर लो तो उसमें क्या होता है? कोमा. फाइन, सीएसवी फाइल्स आर डिलिमिटेड. डिलिमिटेड फाइल्स मीन्स हैविंग फिक्स्ड लिमिट्स. ओके, वो फाइल्स जिनकी एक लिमिट होती है. ओके, सीएसवी फाइल्स आर डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स विद वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा. क्या है? दे आर लाइक टेक्स्ट फाइल्स जिसके अंदर हम वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करते हैं एंड सेव्ड विद द एक्सटेंशन डॉट सीएसवी आर. और आप अपनी फाइल को कैसे सेव करते हो? आप डॉट सीएसवी एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हो. ओके, सीएसवी फाइल्स आर यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस. जैसे आप स्प्रेडशीट में डेटा को टेबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करते हो, डेटाबेस में आप रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करते हो, टेबल की फॉर्म में सेव करते हो, वैसे ही सीएसवी फाइल में टेबुलर डेटा स्टोर होता है. ओके, इन सीएसवी फाइल ईच लाइन ऑफ द फाइल इज अ डेटा रिकॉर्ड. और सीएसवी फाइल में जो भी लाइन्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड होता है, राइट. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स सेपरेटेड बाय कोमा. तो जितने जैसे लाइन्स हैं, नंबर ऑफ लाइन्स, तो फर्स्ट लाइन होगी फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड लाइन होगी सेकेंड रिकॉर्ड. जैसे फर्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दिया, सेकेंड लाइन में सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दिया. ओके, और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो किसकी हेल्प से सेपरेट होती हैं? कोमास की हेल्प से सेपरेट होती हैं, या आप कोई दूसरा डिलिमिटर भी लगा सकते हो. ओके, द सेपरेटर करेक्टर ऑफ सी एस वी फाइल इज कॉल्ड डी लिमिटर. तो जो सेपरेटर करेक्टर वैल्यूज को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? डी लिमिटर बोलते हैं, राइट. जो इसके अंदर डिफॉल्ट डी लिमिटर क्या है? कोमा है. डिफॉल्ट डी लिमिटर इज कोमा. अदर डी लिमिटर्स इंक्लूड टैब, कॉलन, पाइप, सेमी कॉलन, करेक्टर्स एक्सेट्रा. ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक बार क्रिएट करके दिखाती हूँ डेस्कटॉप पर कि आप कैसे सी एस वी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक बनाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके, और इसको मैं ओपन करती हूँ. इसको ओपन किया, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ले लिया रोल नंबर ले लेते हैं. ओके, कोमा, नेम एंड मार्क्स ले लेते हैं. ओके, फाइन. तो रोल नंबर यहाँ पे ले लिया हमने 1. ओके, नेम जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया दीप्ति एंड मार्क्स ले लिए 90. ओके, देन सेकेंड लाइन 2, नेम आपने ले लिया रोहन एंड मार्क्स ले लिया आपने 80. फाइन, एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं 3. ओके, नेम हम ले लेते हैं अमित एंड मार्क्स हम ले लेते हैं 70, राइट. अब इसको हम किस कैसे सेव करेंगे? इसको हम सेव करेंगे डॉट सी एस वी से, ठीक है. तो मैंने जैसे इसका नाम ले दिया abc.csv, राइट. abc.csv सेव कर दो. नाउ क्लोज दिस. अब देखो, अगर आपको इसको ओपन करते हो तो एक्सेल में ओपन हुआ है. देखो, आपने जो डेटा स्टोर किया था वो टेबुलर फॉर्म में, वो डेटा आपका आ गया है यहाँ पे. यू कैन सी योर डेटा, जो भी आपने स्टोर किया था वो देखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आ गया है आपका डेटा. फाइन, जो आपने अपनी नोटपैड की फाइल में सेव किया था. ओके, तो ये क्या है? आपकी सीएसवी फाइल है. फाइन, जो भी आपने क्रिएट की थी. एडवांटेजेस ऑफ सी एस वी फाइल, ईजी टू क्रिएट. बहुत ईजी होती है आपकी फाइल क्रिएट करना. ओके, सी एस वी फाइल को क्रिएट करना बहुत ईजी होता है. प्रेफर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटा बेसिस एंड स्प्रेडशीट. आप सी एस वी फाइल को क्या कर सकते हो? आप डेटा बेसिस एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो. फाइन, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और आप सी एस वी फाइल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो. फाइन, ओके, नेक्स्ट. अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सी एस वी फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा को राइट करना है. तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सी एस वी मॉड्यूल. सी एस वी मॉड्यूल क्या है? वी मस्ट इम्पोर्ट सी एस वी मॉड्यूल ऑफ पाइथन टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद सी एस वी फाइल. तो आपको पाइथन के सी एस वी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, किस लिए? सी एस वी फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. मतलब सी एस वी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए और सी एस वी फाइल से डेटा को रीड
रीड करने के लिए. ओके, सी एस वी मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो सी एस वी मॉड्यूल आपको क्या करता है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है. कौन से, रीडर ऑब्जेक्ट एंड राइटर ऑब्जेक्ट. ओके, रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू रीड, इट हेल्प्स यू टू रीड फ्रॉम द सी एस वी फाइल. रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप सी एस वी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हो. ओके, एंड राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सी एस वी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो. ओके, टू इम्पोर्ट सी एस वी मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको सी एस वी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर बाई यूजिंग द स्टेटमेंट इम्पोर्ट सी एस वी. ओके, इम्पोर्ट सी एस वी को स्टेटमेंट को यूज़ करके आप सी एस वी मॉड्यूल को क्या कर लोगे, अपने प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट कर लोगे. फाइन, नेक्स्ट. अब देखो आप कैसे ओपन एंड क्लोज करोगे. आपने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया सी एस वी फाइल को, देन आप ओपन एंड क्लोज कैसे करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे. ओपन अ सी एस वी फाइल, अ सी एस वी फाइल इज ओपन्ड इन द सेम वे एज वी ओपन एनी अदर टेक्स्ट फाइल. हम टेक्स्ट फाइल कर चुके हैं. ओके, तो सी एस वी फाइल को आप कैसे ओपन करोगे, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते थे. राइट, यहाँ पे एफ क्या है, आपका फाइल हैंडल है. ओके, आपने ओपन फंक्शन का यूज किया है और ओपन फंक्शन के अंदर आपने सी एस वी फाइल जो आप क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, उसका नेम दिया है. राइट, और यहाँ पे क्या है, आपका एक्सेस मोड है कि आप राइट मोड में करना चाहते हो या रीड मोड में. राइट, सी एस वी फाइल ओपन इन राइट मोड विद द फाइल हैंडल एस एफ. तो जो अबव स्टेटमेंट है उसमें आप सी एस वी फाइल को ओपन कर रहे हो टू डॉट सी एस वी को. ओके, और किस मोड में, राइट मोड में. ओके, सेकेंड आपका क्या है, सी एस वी फाइल ओपन इन रीड मोड. देखो आपने यहाँ पे रीड मोड दिया है विद फाइल हैंडल एस एफ. राइट, सी एस वी फाइल शुड हैव फाइल एक्सटेंशन एस डॉट सी एस वी. डेट आई हैव टोल्ड यू कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी एस वी जरूर होना चाहिए अगर वो क्या है, सी एस वी फाइल है. राइट, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से ओपन हुई है, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं सेम फॉर्मेट यहाँ पर है सी एस वी फाइल को ओपन करने के लिए. ओके, क्लोज अ सी एस वी फाइल, सी एस वी फाइल को आप क्लोज कैसे करोगे, अ सी एस वी फाइल इज क्लोज्ड इन द सेम वे एज वी क्लोज एनी अदर टेक्स्ट फाइल. जैसे आप टेक्स्ट फाइल को क्लोज करते हैं वैसे ही आप सी एस वी फाइल को क्लोज करोगे. एफ डॉट क्लोज, यहाँ पे एफ क्या है, आपका फाइल हैंडल है. ओके, नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सी एस वी फाइल. राइट, अ सी एस वी फाइल फॉलोज द सेम फाइल एक्सेस मोड एज टेक्स्ट फाइल. तो जो सी एस वी फाइल होती है वो सेम क्या करती है, फाइल एक्सेस मोड्स को फॉलो करती है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल फॉलो करता है. राइट, देखो फॉर द फाइल मोड डब्लू डब्लू प्लस ए ए प्लस. ठीक है, द फाइल विल गेट क्रिएटेड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगर आपने फाइल को डब्लू डब्लू प्लस ओके राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन किया है तो वो फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी. फाइन, एंड इफ इट exists already then the file mode www plus will override the existing file. और अगर वो फाइल exist करती है तो क्या होगा, www plus क्या कर देंगे, उसको override कर देंगे, उस फाइल का previous data क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और जो भी आप न्यू डेटा उसके अंदर डाल रहे हो वो आ जाएगा. एंड द फाइल मोड ए एंड ए प्लस विल रिटेन द कंटेंट ऑफ द फाइल. ओके, तो ये क्या है, सेम रूल्स फॉलो हो रहे हैं फाइल एक्सेस मोड में जैसे आपके टेक्स्ट फाइल में होते थे, वही सी एस वी फाइल में फॉलो हुए हैं कि अगर आपने राइट मोड में ओपन किया है फाइल को तो फाइल अगर एग्जिस्ट राइट मोड और अपेंड मोड में, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी. फाइन, और अगर करती है और राइट मोड में ओपन किया है तो प्रीवियस डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, न्यू डेटा आप उसके अंदर राइट कर सकते हो. बट अपेंड के केस में प्रीवियस डेटा डिलीट नहीं होगा. ओके, डेटा के एंड पे आप न्यू डेटा को अपेंड कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, एक आर्ग्यूमेंट आता है आपका, क्या आता है आपका, न्यू लाइन. ओके, रोल ऑफ न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ सी एस वी फाइल, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी जरूरत पड़ सकती है हमें. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर एंड ऑफ लाइन करेक्टर्स डिफरेंटली. देखो जब आपकी लाइन एंड होती है किसी भी फाइल के अंदर फिर ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट कैसे एंड हो रही है ठीक है, वो क्या होता है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर होता है.
राइट right? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डिफरेंट डिफरेंट एंड ऑफ लाइन करेक्टर्स होते हैं. फाइन, तो जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्लैश आर कैरियर्स रिटर्न मशीन टॉस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एंड ऑफ लाइन कैसे कंसीडर होता है कैरियर्स रिटर्न से. ओके, देन आपका यूनिक्स है उसमें लाइन फीड मतलब स्लैश एंड और बैक स्लैश एन ओके वो कंसीडर होता है आपका विंडोज़ में. और डॉस में आपका क्या होता है कैरियर रिटर्न एंड लाइन फीड ऐसे मतलब इनको माना जाता है एंड ऑफ लाइन करेक्टर. आपका दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नल करेक्टर को माना जाता है. ओके, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड ऑफ लाइन करेक्टर को अलग अलग तरीके से लिया जाता है. फाइन, जैसे कैरियर रिटर्न में क्या होता है, कैरियर रिटर्न में क्या होता है आपका जो कंट्रोल होता है वो लाइन के बिगनिंग में चला जाता है. फाइन, और जो आपका लाइन फीड होता है ओके वो क्या होता है नेक्स्ट लाइन में आपका कंट्रोल बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन आपका कंट्रोल चला जाता है. राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं एंड ऑफ लाइन करेक्टर डिफरेंटली लेते हैं. ओके, नाउ इफ यू क्रिएट अ सीएसवी फाइल ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज इट ऑन अनदर द एंड ऑफ लाइन ऑफ वन ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंड ऑफ लाइन ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम यहाँ पे न्यू लाइन जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो आपने सीएसवी फाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो क्या होगा एंड ऑफ लाइन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय सप्रेसिंग द एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन. हम क्या करेंगे एंड ऑफ लाइन का ट्रांसलेशन सप्रेस कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे बाय स्पेसिफाइंग द थर्ड आर्ग्यूमेंट विद द ओपन फंक्शन. ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एंड ऑफ लाइन को की ट्रांसलेशन को फिनिश करने के लिए ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं ओपन फंक्शन के अंदर एक न्यू आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं वो है न्यू लाइन. न्यू लाइन इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग. ओके, नल स्ट्रिंग नो स्पेस इन कोट्स, तो जो यहाँ पे कोट्स लिए हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. ओके, द न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट विद फाइल ओपन फंक्शन विल एंश्योर डेट नो ट्रांसलेशन ऑफ एंड ऑफ लाइन करेक्टर टेक्स प्लेस. तो अगर आपने न्यू लाइन को पास किया है तो क्या होगा आपकी जो एंड ऑफ लाइन करेक्टर है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो इसमें क्या होगा आप सी एस वी फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हो. ओके, डैट इज ओपन योर सी एस वी फाइल एज आपने फिर अब कैसे ओपन करनी है फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में आप अपनी फाइल का नेम पास करोगे उसका मोड पास करोगे एंड न्यू लाइन इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग. नल स्ट्रिंग मीन्स सिंगल कोट्स विदाउट मीन्स सिंगल कोट्स और डबल कोट्स विदाउट स्पेस. ओके, तो न्यू लाइन का मैंने आपको बता दिया है क्या यूज है. फाइन, नाउ राइट, अब हम देखेंगे कि आप सी एस वी फाइल में राइट कैसे करोगे. ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली कर रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे. अच्छा, सी एस वी फाइल में राइट करने के लिए आपको तीन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले है आपका सी एस वी डॉट राइटर. ओके, सी यहाँ पे जो आपका डब्लू है वो होगा स्मॉल. फाइन, दिस इज योर स्मॉल. ओके, सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इनटू सी एस वी फाइल. तो सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, जो क्या करता है डेटा को राइट करता है सी एस वी फाइल के अंदर. ओके, अब नाउ यहाँ पे हमारे पास राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन. ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन. अब यहाँ पे राइट रो फंक्शन क्या करता है, राइट्स वन रो ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आपने क्या क्रिएट किया, आपने राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. ओके, जिसका क्या काम है सी एस वी फाइल में डेटा को राइट करना. अब राइटर ऑब्जेक्ट को डेटा राइटर ऑब्जेक्ट को डेटा कौन पहुंचा रहा है, राइट रो फंक्शन पहुंचा रहा है लाइन वाइज. ठीक है, राइट्स वन रो ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट. राइट रो फंक्शन क्या करेगा, वन रो ऑफ डेटा एट अ टाइम डेटा राइटर ऑब्जेक्ट के पास क्या करेगा पहुंचाएगा. ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करेगा फिर राइटर ऑब्जेक्ट उसको सी एस वी फाइल के अंदर राइट करेगा. ओके, मैं इसको भी प्रैक्टिकली बताऊंगी. राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज. अब राइट रोज फंक्शन क्या करेगा, राइट रोज फंक्शन एक साथ मल्टीपल रोज को राइटर ऑब्जेक्ट के पर राइट कर देगा. ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट पर राइट कर देगा फिर राइटर ऑब्जेक्ट उसको कहाँ राइट कर देगा, सी एस वी फाइल में राइट कर देगा. ओके, सो एक बार मैं इसको
यहाँ से समझा देती हूँ विद पिक्चर. देखो यहाँ पे क्या है, द सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन क्या करता है, हमारे पास एक राइटर ऑब्जेक्ट हमको दे देता है. ओके, द डेटा रो रिटर्न टू अ राइटर ऑब्जेक्ट. और अब राइटर ऑब्जेक्ट को, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को कौन राइट करता है, दो फंक्शंस राइट करते हैं, राइट रो फंक्शन एंड राइट रोज फंक्शन. ठीक है, राइट रो फंक्शन क्या करता है, लाइन वाइज डेटा को राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करता है. और राइट रोज क्या करता है, बहुत मल्टीपल रोज को एक साथ राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करता है. ठीक है, तो देखो द डेटा रो रिटर्न टू अ राइटर ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्टेड टू सी एस बी राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म एंड देन रिटर्न ऑन द लिंक्ड सी एस वी फाइल ऑन द डिस्क. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा कीबोर्ड है. ओके, तो यूजर ने यहाँ पे कीबोर्ड से डेटा दिया. तो जो हमारे पास फंक्शन है सी एस वी डॉट राइट रो या सी एस वी डॉट राइट रोज, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सी एस वी डॉट राइट रो इज यूज टू राइट ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट. राइटर ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं किसकी हेल्प से, सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन की हेल्प से. ठीक है, अब सी एस वी डॉट राइटर रो या सी एस वी डॉट राइटर रोज फंक्शन क्या करते हैं, डेटा को लाइन वाइज ओके या मल्टीपल लाइन्स इसके ऊपर राइट कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर. देखो इट, और राइटर ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, इस डेटा को क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द यूजर डेटा इन टू सी एस वी राइटेबल फॉर्म. वो उस डेटा को कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, सी एस वी राइटेबल फॉर्म में. क्योंकि सी एस वी में डेटा क्या होता है, जितनी वैल्यूज होती है वो कोमा सेपरेटेड होती हैं या डिलिमिटेड होती हैं. ओके, दैट इज डिलिमिटेड स्ट्रिंग फॉर्म एज पर सी एस वी सेटिंग. ओके, तो सी एस राइटर ऑब्जेक्ट का क्या काम है, जो भी यूजर डेटा है उसको सी एस वी राइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको सी एस वी फाइल के अंदर जाके राइट कर देना. ठीक है, अब डिलिमिटेड डेटा बनाने के बाद वो क्या करता है, सी एस वी फाइल के अंदर उस डेटा को जाके राइट कर देता है. ओके, तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ आ गया है राइटर ऑब्जेक्ट का रोल, कि राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करेंगे. फाइन, तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर आइडियली. फाइन, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी फाइल इम्पोर्ट सी एस वी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी एस वी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है. फाइन, ताकि हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकें. अब हम करेंगे फाइल हैंडल, फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन. और यहाँ पे मैंने अपनी एक फाइल बना दी, मैंने अपनी बना दी स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल. राइट, मैं किस मोड में इसको ओपन कर रही हूँ, मैं इसको राइट मोड में ओपन कर रही हूँ. फाइन, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा को राइट करना है. अब देखो ये फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो इसमें डेटा, न्यू डेटा हमारा राइट हो जाएगा. और ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो राइट मोड क्या कर देगा, इसको क्रिएट कर देगा. फाइन, अब देखो हम करेंगे यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो मैंने बना दिया टू राइटर या एस राइटर ले लो, चलो एस अंडरस्कोर राइटर. तो ये एस अंडरस्कोर राइटर क्या है, मैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती हूँ. वो कैसे क्रिएट होगा, सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन की हेल्प से क्रिएट होगा. सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन, और इसमें आपने पास कर दिया फाइल हैंडल को. ठीक है, तो जो सी एस वी डॉट राइटर है, इससे फंक्शंस है, इससे क्या क्रिएट होगा, आपका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. तो यहाँ पे हमारा एस अंडरस्कोर राइटर क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, राइटर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया. ओके, अब हम इस राइटर ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, लाइन वाइज ठीक है डेटा को स्टोर कराएंगे. ठीक है, तो हमने हमारा राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एस अंडरस्कोर राइटर. ओके, बाय यूजिंग द सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन. फाइन, अब इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम राइट रो फंक्शन का यूज करते हैं, राइट रो फंक्शन का यूज करते हैं. ओके, और राइट रो फंक्शन की हेल्प से हम रो को राइट कराएंगे किस पर, अपने राइटर ऑब्जेक्ट पर. ओके, राइट रो मान लो मैं फर्स्ट लाइन जो लिखना चाहती हूँ अपनी सी एस वी फाइल में, वो मैंने लिख ली रोल नंबर. ओके, देन नेम
देन मार्क्स फाइन, ये मैंने फर्स्ट लाइन क्या कराई है, राइट कराई है, ठीक है ओके। अब मैं करती हूँ, सिर्फ एक लाइन तो राइट करानी नहीं है मुझे, क्या चाहिए मल्टीपल वैल्यूज में कराना चाहती, तो यहाँ पे मैंने ली एम्प्टी लिस्ट एलएसटी, ओके। देन हम चलाएंगे अपना लूप वाइल ट्रू, ओके, जब तक कि आप इसको एंड नहीं करते हो, और हम यूजर से वैल्यू एंटर करा लेते हैं रोल नंबर इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, ओके। देन नेक्स्ट ले लेते हैं हम नेम, ओके, इनपुट एंटर नेम। नेक्स्ट आप ले लो मार्क्स, मार्क्स मैंने फ्लोट में ले लिए, फ्लोट इनपुट ओके एंटर मार्क्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी डेटा हम यूजर से एंटर करा रहे हैं हम उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं एज अ लिस्ट। हमने उसको, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लिस्ट ले ली, रोल नंबर ओके नेम एंड मार्क्स फाइन, ओके। अब जो हमारे जो भी डेटा हम एंटर करा रहे हैं वो किस में जाके स्टोर हो रहा है, वो हमारा रिकॉर्ड लिस्ट में जाके स्टोर हो रहा है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट LST, उसके अंदर मैं ये सारा डेटा अपेंड कर देती हूँ, तो ये मेरी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। REC ये हमने इसके अंदर अपेंड फंक्शन के अंदर पास कर दिया, तो अब लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, वो मैं भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो लूप चलता रहेगा, लूप को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आंसर, और यूजर से हम वैल्यू पुट करा लेते हैं, Do you want to enter more records? Okay, yes or no? Okay, ये हम क्या करते हैं, यूजर से एंटर करा लेते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, if answer equals to किस, मतलब डबल इक्वल्स टू किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। तो अगर आपने एन लिखा है प्रॉम्प्ट पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब कंट्रोल आपका फंक्शन से बाहर आ जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो डेटा आपने एंटर करा दिया, अब हम क्या कराएंगे, उस डेटा को राइट कराएंगे, तो यहाँ पे मैं फोर लूप लगाती हूँ, फोर आई इन लिस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जितना भी डेटा यूजर से एंटर कराया है एलएसटी में अपेंड करा दिया है, ओके। फोर आई इन एलएसटी लिस्ट, ओके। अब हम लेंगे एस राइटर, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो आई, तो राइट रो फंक्शन क्या करे, आई मतलब फर्स्ट लिस्ट पहले राइटर ऑब्जेक्ट पे क्या करे, राइट करे, ऐसे सेकंड जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वैसे वैसे वो राइट करता जाएगा, ठीक है। एंड इन द एंड हमने करा दिया इसको क्लोज, एफ डॉट क्लोज फाइन, इतना करा दिया एफ डॉट क्लोज, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको सेव करते हैं, इसको आप सेव कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फाइल का नेम, ले लिया फाइल 10, फाइल 10 नहीं, इसको छोड़ नेम ले लेते हैं, इसका हमने ले लिया CSV डेमो ले लो, चलो डेमो 5 ले लो, डेमो 5, ठीक है, डेमो 5 इसका नेम ले लिया मैंने, ओके। और देखो हमारा CSV फाइल का नेम क्या है, student.csv है, ओके। नाउ हम इसको रन करते हैं, रन रन मॉड्यूल, अब यहाँ पे हम डेटा सेव करेंगे, रोल नंबर 1, नेम ले लिया मैंने दीप्ति, और मार्क्स ले लिए मैंने
मान लो 80, यस। देन रोल नंबर टू, ओके, नेम मैंने ले लिया इसका, नेम ले लिया रोहन, और मार्क्स ले लिया 90, ओके। एक रिकॉर्ड और हम ऐड कर लेते हैं, यस 3। नेम ले लिया मैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं पूजा, ओके, और मार्क्स ले लेते हैं 60, और इसको कर देते हैं एन, ठीक है। अब नहीं करना, अब देखो हमने तीन रिकॉर्ड्स यहाँ पे एंटर करा दिए स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल में, फाइन। तो अब क्या करते हैं, हम अपनी स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल को अब यहाँ से ओपन करते हैं, ओके ओके। तो आपको आपकी फाइल कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल सेव होती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारी देखो फाइल आ गई है स्टूडेंट, इसको हम ओपन करेंगे। सी, ये आपका डेटा आ गया है, जो भी आपने क्या किया था, एंटर कराया था, रोल नंबर 1 दीप्ति 80, देन रोहन मार्क्स 90, देन पूजा मार्क्स 60, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका वन वन लाइन का गैप आया हुआ है, ओके। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, जैसे यहाँ पे इसने वन लाइन गैप लिया है, ठीक है, तो एंड ऑफ लाइन करेक्टर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप यहाँ गैप नहीं चाहते हो, एंड ऑफ लाइन को आप क्या कर दो, यहाँ से हटा दो, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ओके, अपनी फाइल में जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे हम न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ करेंगे, और हम एंड ऑफ लाइन करेक्टर का यूज़ क्या मतलब उसका ट्रांसलेशन फिनिश कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे न्यू लाइन ले लो करेक्टर, और यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, विदाउट, जो आप यहाँ पे कोर्स ले रहे हो विदाउट गैप लोगे, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस, राइट। नाउ अगेन रन योर फाइल। अब देखो आपको दोबारा से डेटा इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि राइट मोड में क्या करोगे, प्रीवियस डेटा चला जाएगा, न्यू डेटा आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया दीपा, नेम दे मार्क्स दे दी 89, यस, ठीक है। टू नेम मैंने दे दिया गीता, मार्क्स दे दिए मैंने 80। देन अगेन एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं, रोल नंबर हमने ले लिया 3, ओके। नेम ले लिया आपने यहाँ पे प्रणव, ओके, एंड मार्क्स ले लिए आपने 67, एन एन, ओके। अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में देखते हैं, ओके, इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में गए हम, पाइथन की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही जाके यहाँ सेव होगी, जहाँ पे आपके पाइथन के और प्रोग्राम सेव होते हैं। अब देखो मैं स्टूडेंट फाइल को, स्टूडेंट और सीएसवी फाइल को ओपन करती हूँ, देखो आपका ये आ गया है, ठीक है, दीपा मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब वन लाइन का गैप नहीं आया है, क्योंकि आपने न्यू लाइन जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है उससे क्या हुआ है, एंड ऑफ लाइन जो आपका होता था करेक्टर, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, फाइन। अब देखो यहाँ पे डिलिमिटर, अगर मैं इसी फाइल को ओपन करती हूँ, किसमें, ओपन विथ नोट पैड, तो देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट डिलिमिटर यूज हो रहा है वो क्या है, कोमा, ठीक है, डिफॉल्ट डिलिमिटर कोमा है। अगर मैं क्या चाहती हूँ, कोई और डिलिमिटर यूज़ करना चाहती हूँ, मैं कोमा यूज़ नहीं करना चाहती, फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिलिमिटर भी डिफाइन कर सकते हो राइटर फंक्शन के अंदर, सी एस वी डॉट राइटर। तो मैंने यहाँ पे डिलिमिटर दे दिया, डिलिमिटर मैंने यहाँ पे दे दिया, लेट अस सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे सेमी कोलन, ओके, सेमी कोलन दे दिया है, इसको हम सेव करेंगे, राइट। इसको फिर से रन करते हैं, रन रन मॉड्यूल, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा, क्योंकि प्रीवियस डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आप राइट मोड में इसको कर लो, ठीक है। रोल नंबर 1, नेम आपने दे दिया अर्जुन, मार्क्स आपने दे दिए 70, यस। नेम आपने दे दिया रोल नंबर 2, नेम आपने दे दिया नेम दे दिया आपने प्रणव, एंड मार्क्स दे दिया आपने 90। देन आपने एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं 3, इसमें नेम दे दिया आपने अमित, एंड मार्क्स दे दिया आपने 56, ओके, और हमने इसको कर दिया नो, फाइन। आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फाइल ओपन करो, ओके। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन में ही आ रहा है, ठीक है, एक लाइन में पूरा डेटा आ रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, और अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से,
इम्पोर्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करती हूँ, पहले पूरा अपना पाथ कॉपी कर लेती हूँ। पाथ कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, बिकॉज मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को इम्पोर्ट करना है, और इस पाथ को मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब इसके अंदर से मैं अपनी फाइल को क्या करूँगी, इम्पोर्ट करूँगी। स्टूडेंट फाइल है मेरी, इम्पोर्ट, फाइन, ओके। और यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट और सेमी कोलन को भी इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि सेमी कोलन कर लिया आपने, नेक्स्ट। अब पे फिनिश। अब आपसे पूछा न्यू वर्कशीट में चाहिए आपको डेटा, ओके कर दो, ओके। तो आप देखो अब आपका डेटा आ गया है, ओके फाइन। और यहाँ पे देखो सेव कर दिया, जैसे सेव करने की जरूरत नहीं है, डोंट सेव कर दो, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, अगर नोटपैड से, ओपन विद नोटपैड। तो अब आपको, आप देखो यहाँ पे डिलिमिटर क्या है, आपका सेमी कॉलन है, फाइन। आपने सेमी कॉलन दे दिया एज अ डिलिमिटर, फाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में जाते हैं, फाइन। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डिलिमिटर हटा देती हूँ, डिफॉल्ट अब हमारा आ जाएगा, ओके। अब देखो मैंने एक अभी जब यूज़ यहाँ पे क्या यूज़ किया था, राइट रो फंक्शन यूज़ किया था, जिससे मैं एक बार में एक लाइन को राइट करवा रही थी फाइल में, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं एक साथ मल्टीपल लाइंस को राइट करवा सकूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं राइट रोज फंक्शन यूज़ करूँगी। तो देखो मेरा प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सी एस वी मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, अपनी फाइल को ओपन किया है राइट मोड में, ओके। न्यू लाइन करेक्टर आर्ग्यूमेंट हमने लिया है, जिससे एंड ऑफ लाइन को हम क्या कर सकें, सप्रेस कर सकें, फाइन। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, हमें यूज़र से डेटा एंटर कराना है, राइट। और आपका डेटा एलएसटी में जाके, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, ओके। सेम प्रोग्राम है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से फोर लूप को हटा दो, क्योंकि अब हमें लूप नहीं चलाना, फाइन। और हमें क्या करना है, जो हमारा क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट एस डॉट राइटर, वहाँ पर हमने यूज़ करना है राइट रोज फंक्शन, ओके। और इसके अंदर, राइट रोज के अंदर हमें एलएसटी का डेटा जाके पास करना है, ठीक है। एल एस टी जो लिस्ट है आपकी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका जितना भी रिकॉर्ड आप यूज़र से एंटर कराओगे वो सारा अपेंड हो गया है, ओके। और आपने उसको क्या किया, सिंपली एंटर कराया, और जब नहीं कराना है तो आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा, जब आपने नो एंड प्रेस कर दिया तो आपका जो आपका लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल बाहर आएगा। तो आपने क्या किया, राइट रोड फंक्शन की हेल्प से जितना भी डेटा था एल एस टी का, आपने राइटर ऑब्जेक्ट पे राइट करा दिया, ओके। और राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको सी एस वी फाइल पे राइट करा देगा, फाइन। तो एक छोटा सा चेंज किया है मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में, यहाँ पे राइट रोज कर दिया है और उसके अंदर एल एस टी डेटा को पास कर दिया है, जो जहाँ कहाँ पर जाके राइट हो जाएगा, राइटर ऑब्जेक्ट पे, और राइटर ऑब्जेक्ट उसको सी एस वी फाइल में जाके राइट कर देगा, ओके। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं कंट्रोल एस, एंड देन इसको हम रन करते हैं, रन, रन मॉड्यूल। रोल नंबर वन, नेम मैंने दे दिया अनूप, ऊप हो गया सॉरी, और मार्क्स दे दिए 56, ओके यस। देन रोल नंबर टू, आपने डेटा दे दिया, यहाँ पे नेम ले लिया आपने पूजा, मार्क्स दे दिया आपने 70, ओके यस। एक और डेटा करा लेते हैं, रोल नंबर थ्री, और आपने दे दिया गीतांजलि, ओके, एंड मार्क्स हो गए आपके 80, एंड आप कर दो नो, ठीक है। हमने डेटा राइट करा दिया है, फाइन। अब अपनी डायरेक्टरी में हम जाके देखेंगे, फाइन, ये हमारी पाइथन की डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, फाइन। देखो आपका डेटा आ गया है, जो भी आपने एंटर कराया था, ठीक है। अगर ओपन करेंगे इसको तो आप ओपन कर सकते हो, ओपन विद नोटपैड, ये आपका डेटा आ गया है, ओके। एंड डिफॉल्ट इसके अंदर डिलिमिटर यूज़ हुआ है कोमा, क्योंकि मैंने अभी डिलिमिटर चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, देखो राइट रोज फंक्शन में एक साथ जितना भी डेटा आपने एंटर कराया वो राइट रोज फंक्शन की हेल्प से एक साथ राइटर ऑब्जेक्ट पे राइट हो गया, और राइटर ऑब्जेक्ट ने उसको सी एस वी फाइल पे राइट कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सी एस वी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो,
आप सीएसवी फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हो? ओके, टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल, रीडर फंक्शन ऑफ सीएसवी मॉड्यूल इज यूज्ड। ओके, तो यहां पे सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम सीएसवी मॉड्यूल के रीडर फंक्शन का यूज करते हैं। सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन क्या करता है? एक रीडर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसका क्या काम होता है? इट लोड्स डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल, वो सीएसवी फाइल से डेटा को लेता है। ओके, पासेस इट मींस उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में वो क्या काम करता है? इट रिमूव्स द डिलिमिटर्स एंड रिटर्न्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाइथन आइटरेबल्स। तो देखो, आपको पता है सीएसवी फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? आफ्टर ईच एंड एवरी वैल्यू वी हैव डिलिमिटर। ठीक है, हर वैल्यू के बाद एक डिलिमिटर यूज किया जाता है, चाहे वो कोमा हो, सेमी कोलन हो, ओके, या पाइप हो। तो डिफरेंट डिलिमिटर्स के फॉर्म में सीएसवी में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? सीएसवी फाइल से डेटा को लेता है, लोड करता है, उसकी प्रोसेसिंग, पार्सिंग मींस उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में वो क्या करता है? उसके डिलिमिटर्स हटा देता है। ओके, और उसके बाद जो डेटा आता है उसको वो एक आइटरेबल की फॉर्म में, आइटरेबल क्या होता है? जिसमें हम वैल्यूज को आइट्रेट कर सकें, वैल्यूज के पास वन बाय वन जा सकें, उन्हें एक्सेस कर सकें। लाइक लिस्ट हो गया आपका, टपल्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो किसी भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट में वो डेटा को स्टोर कर देता है। फ्रॉम वेयर वी कैन फेच वन रो ऑफ डेटा एट अ टाइम यूजिंग फॉर लूप। और जहां से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को फेच कर सकते हैं एक रो को एक टाइम में। ओके, नाउ लुक एट द फिगर। यहाँ पे देखो, सीएसवी फाइल स्टोर ऑन स्टोरेज, आपके पास सीएसवी फाइल है, ओके, जिसका डेटा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट, रीडर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, ले रहा है। ओके, अब रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट पासिस द डिलिमिटेड सीएसवी फाइल डेटा एंड लोड्स इट इनटू एन आइटरेबल। वो क्या करेगा? सीएसवी फाइल से, रीडर ऑब्जेक्ट सीएसवी फाइल से डेटा लेगा, उसको पास करेगा। पास करने का मतलब है उसमें से डिलिमिटर्स को हटाएगा और उस डेटा को एक आइटरेबल फॉर्म में स्टोर कर लेगा। फाइन, अब हमारे पास डेटा आ चुका है एक आइटरेबल फॉर्म में। ओके, अब हमें क्या करना है? डेटा को एक्सेस करना है। तो किसकी हेल्प से हम एक्सेस करेंगे? हम लूप के हेल्प से एक्सेस करेंगे। ओके, नाउ लूप फॉर रीडिंग, फेच वन रो एट अ टाइम फ्रॉम रीडर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ लूप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लूप का यूज करेंगे डेटा को रो बाय रो रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ओके, नाउ स्टेप्स टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। अब यहाँ पे क्या है, थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं, देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली कि आप डेटा को कैसे रीड करोगे सीएसवी फाइल से, राइट? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इम्पोर्ट सीएसवी मॉड्यूल। सबसे पहले आपको क्या इम्पोर्ट करना है? सीएसवी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। फाइन, नाउ ओपन अ सीएसवी फाइल इन रीड मोड। अब आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करोगे, सीएसवी फाइल को ओपन करोगे किस मोड में? रीड मोड में। यहाँ पे देखो, हमने ओपन फंक्शन का यूज किया है, एफ आपका फाइल हैंडल है, ओके, स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल का नेम है, और आपने रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन किया है, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। फाइन, तो यहाँ पे देखो, टू रीडर मेरा रीडर ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सीएसवी मॉड्यूल के रीडर फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे? फाइल हैंडल, राइट? तो जो भी आपका रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आया है? वो आपका रीडर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। यहाँ पे टू रीडर आपका क्या है? रीडर ऑब्जेक्ट है, जिसका काम क्या है? फाइल से डेटा को लेना, उसको पार्स करना और आइटरेबल फॉर्म में उसको स्टोर करना। ओके, अब देखो, द रीडर ऑब्जेक्ट पासेस द डिलिमिटेड सीएसवी फाइल डेटा। ये हमें पता है, वो क्या करेगा? सीएसवी फाइल के डेटा को पास करेगा, मतलब उसके डिलिमिटर्स को हटाएगा, एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ आइटरेबल, और उसे किसी भी आइटरेबल फॉर्म में स्टोर कर देगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? वी कैन फेच वन रो एट अ टाइम फ्रॉम रीडर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे? रीडर ऑब्जेक्ट से डेटा को लेंगे बाय यूजिंग द फॉर लूप। अब देखो, यहाँ पे देखो, फॉर रिकॉर्ड इन स्टू रीडर, ये हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है, और हमने वन बाय वन स्टू रीडर से रो वाइज रिकॉर्ड को लिया और उसको प्रिंट करा दिया। ओके, प्रोसेस द फर्स्ट सिंगल रो ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। और जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उसको हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज टू क्लोज द फाइल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? फाइल को क्लोज कर दिया है। ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैंने अपना आइडियली की फाइल ओपन कर ली है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग आर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे सी एस वी मॉड्यूल को
सीएसवी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया है। मैं फर्स्ट क्या करूँगी, राइटर फंक्शन को, राइट फंक्शन को बनाती हूँ, जिससे हम क्या करेंगे सीएसवी फाइल को क्रिएट करेंगे और इसमें डेटा को राइट करेंगे, देन वी विल रीड इट। फाइन, तो यहाँ पे एफ क्या है, मेरा फाइल हैंडल है, ओपन, अपनी फाइल का नेम मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट डॉट सी एस वी, ओके। एंड इसको मैंने किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में इसको मैंने ओपन किया है, ओके। अब मैंने क्या किया है, अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को राइट करता है, और रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को रीड करता है। तो यहाँ पे टू राइटर मेरा क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट है सी एस वी डॉट राइटर, ओके। एंड हम यहाँ पे सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन में पास कर देंगे फाइल हैंडल। तो यहाँ पे देखो टू राइटर मेरा क्या बन गया, राइटर ऑब्जेक्ट। और राइटर ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप सी एस वी फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं, ओके। नाउ टू राइटर डॉट राइट रो। अब मैं एक लाइन इसके अंदर पहले क्या करना चाहती हूँ, राइट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने ओनली राइट रो लिया है, ठीक है। और मैं कौन सी लाइन यहाँ पे एज अ लिस्ट इसमें एक लाइन ऐड करवा रही हूँ, रोल नंबर, ओके। एंड नेक्स्ट है मेरा नेम, देन मेरे पास है मार्क्स, फाइन। मैंने टू राइटर ऑब्जेक्ट पर एक लाइन क्या करवा दी है, राइट करवा दी है विद द हेल्प ऑफ राइट रो फंक्शन, ओके। फाइन, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, राइट टू राइटर डॉट राइट रो, रोल नंबर, अच्छा यहाँ पे रोल नंबर में, ठीक है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे जिस जो क्या होगी हमारी एम्प्टी लिस्ट, जिसपे हम लेटर ऑन जाके डेटा क्या करवाएंगे, अपेंड करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारा वाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं, ओके। जो कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी चॉइस क्या है, ट्रू है, और जब तक वो क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजर से डेटा एंटर करवाती हूँ, रोल नंबर, इंट, इनपुट एंटर, रोल नंबर, ओके। नेक्स्ट हमारा है नेम, इनपुट एंटर नेम, ओके। ऊपर भी हम कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, ओके। एंटर नेम, और हम ले लेते हैं मार्क्स, इंट, इनपुट एंटर मार्क्स, फाइन। अब हमने क्या लिया है, जो भी हम यूजर से एंटर करा रहे हैं, ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स कहाँ पे स्टोर कर दिया है, लिस्ट की फॉर्म में हमने रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट थी LST, उसमें हम ये डेटा क्या करते हैं, अपेंड करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, अपेंड फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया रिकॉर्ड को, फाइन, ओके। अब देखो लूप चलता रहेगा, हमें कहीं ना कहीं लूप को ब्रेक करना है, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम अपनी चॉइस को इनपुट कराते हैं, इनपुट डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, ओके। अगर आपकी चॉइस क्या है, अगर आपका आंसर एन है, ओके, तो आप क्या कर दोगे, ब्रेक। तो आपका कंट्रोल कहाँ से बाहर आ जाएगा, आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से,
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अपना लूप कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा आया है वो हम राइट करवा देते हैं स्टू राइटर में। स्टू राइटर और किसकी हेल्प से, राइट रोज फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया एलएसटी लिस्ट और हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया, एफ डॉट क्लोज। ओके, तो ये हमने राइट फंक्शन कर लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो भी डेटा हम इसके अंदर राइट कराएंगे वो हम रीड कर लेंगे रीड फंक्शन की हेल्प से। ये मैंने रीड फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया रीड, उसमें हम क्या करते हैं फाइल को ओपन करते हैं। फाइन, हमने अपनी फाइल को ओपन किया, स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल, किस मोड में, रीड मोड में। ओके, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, आप रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। तो मेरा स्टू रीडर क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट है, जो कैसे बनेगा, सी एस वी डॉट रीडर फंक्शन की हेल्प से रीडर, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अपना फाइल हैंडल पास करेंगे। ठीक है, सी एस वी डॉट रीडर फंक्शन, फाइन। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट बन गया है। रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा इटरेबल फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, वो डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगी, फॉर लूप यूज़ करूँगी, फॉर आई इन स्टू रीडर, आर ई ए डी ई आर, स्टू रीडर। ओके, प्रिंट प्रिंट आई। ओके, हमारा बन गया है। अब इन द एंड हमें क्या करना है, राइट फंक्शन को कॉल करेंगे और रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अपनी फाइल को सेव करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं फाइल 10। ओके ओके, नाउ वी विल रन इट। आपके पास आ गया है रोल नंबर, रोल नंबर 1, नेम दीप्ति, मार्क्स 90। ओके, देन 2, रोल नंबर 2, नेम नेहा, मार्क्स 80। ओके, एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं, रोल नंबर हम लेते हैं 3, नेम रोहित एंड मार्क्स 70। फाइन, अब कर देते हैं नो। तो देखो आपका डेटा रीड होके आ गया है, रीड होके आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो हर लाइन के बाद एक एम्प्टी लाइन भी आई है। ठीक है, एक एम्प्टी लाइन आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू लाइन करेक्ट, जब हमने फंक्शन को राइट किया था तो हमने न्यू लाइन जो आर्ग्यूमेंट है उसका यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, इन द एंड स्लैश आर स्लैश एन को रीड किया है, कैरियर रिटर्न को यूज एंड लाइन फीड को रीड किया है। ओके, और यू कैन से एंड ऑफ लाइन करेक्टर को रीड किया है। अगर आप चाहते हो कि एंड ऑफ लाइन करेक्टर ना आए, ठीक है, रीड होके ना आए, तो हम क्या करते, इसके दो मेथड है, या तो आप जब राइट कर रहे हो तब आप न्यू लाइन करेक्टर को क्या कर दो, स्पेसिफाई कर दो, मतलब न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई कर दो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल एस, फाइन। अब देखो अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, रन मॉड्यूल, देखो अब यहाँ पे राइट फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, फिर से आपको डेटा राइट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है। रोल नंबर 1, नेम ले लो नेहा, मार्क्स 90। रोल नंबर 2, नेम ले लो पूजा, ओहो रोल नंबर की जगह पे मैंने पूजा नेम ले लिया, सॉरी। इसको फिर से हम करते हैं रन, रन मॉड्यूल। ओके, रोल नंबर 1, नेम ले लो नेहा, ओके एंड मार्क्स 90। यस, रोल नंबर 2, नेम पूजा, मार्क्स 90 अगेन। यस, नेम ले लो 3, ये ले लिया मैंने रोहन, नेम एंड मार्क्स ले लिए 60। अब मैंने कर दिया नो। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से क्या किया है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर को सप्रेस कर दिया, वो रीड नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो मेथड फर्स्ट आपका ये हो गया कि आप राइट करते टाइम न्यू लाइन
आर्ग्यूमेंट को, एंड ऑफ लाइन को आप क्या कर दो, यहाँ पे अगर हम न्यू लाइन इक्वल्स टू क्या देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, तो इससे आपका एंड ऑफ लाइन करेक्टर रीड नहीं होता है. ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया. अगर आप ये मेथड नहीं कर रहे हो, ठीक है, राइट करते वक्त, फाइन, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप रीड करते टाइम स्पेसिफाई कर दो. ठीक है, यहाँ पे जैसे रीड करते टाइम मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि न्यू लाइन करेक्टर क्या है हमारा. न्यू लाइन है यहाँ पे हमारा स्लैश आर स्लैश एन, जो पाइथन के अंदर कैसे रीड होता है, एज अ एम्प्टी लाइन. ओके, इसका एंड ऑफ पाइथन के अंदर अगर आप स्लैश आर स्लैश एन ले रहे हो तो कैसे रीड होगा, एज अ एम्प्टी लाइन. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, रीड करते टाइम एंड ऑफ लाइन को रीड करा दिया है. ओके, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं. रन मॉड्यूल, अगेन राइट फंक्शन कॉल हुआ है पहले, तो हमने राइट किया वन, नेम ले लो आप रोहन, मार्क्स 90, यस, रोल नंबर 2, नेम मैंने ले लिया यहाँ पे गीतिका, मार्क्स 70, यस, नेम रोल नंबर 3, नेम मैंने ले लिया यहाँ पे प्रणव, ओके, एंड मार्क्स हो गए यहाँ पे 80, ओके, एंड हमने कर दिया नो. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लाइन गैप नहीं आया है, जब आपने क्या किया है, आपने रीड करते टाइम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई किया है. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई किया है और इसको रीड करा दिया है स्लैश आर स्लैश एन, जो पाइथन में अगर हम इसे रीड करेंगे तो ये एज अ एम्प्टी लाइन रीड होता है. ठीक है, तो हेयर यू हैव डन हाउ वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल. ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. Till then, keep watching, share my videos if you like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.